नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के अज्जा: चावल 2 ग्लास, सफ़ेद चने 1 कप बॉयल्ड, प्याज 2 दरमियानी साइज, दही 1 पाव, साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दार चीनी की स्टिक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 अदद, लौंगे 4 से 5, साबुत काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, साबुत सीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, नमक हसबे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। सबसे पहले एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें 2 प्याज बारीक कटी हुई शामिल करें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और फ्राई करें। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें साबुत गरम मसाले यानी बड़ी इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दार चीनी की स्टिक्स, लौंग, साबुत काली मिर्चें, साबुत ज़ीरा और तेज़पत्ता शामिल करके हल्का सा फ्राई करें। जब गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल करके मसाला अच्छे से भून लें और साथ ही इसमें 1 पाव दही शामिल करें। याद रहे, कुकिंग के दौरान जब भी दही शामिल करें या तो पैन का चूल्हा बंद कर दें या फिर दही शामिल करने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि आपकी दही फटने से महफूज हो जाए। दही शामिल करने के बाद तमाम मसाला अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल करें। जब चावल फूल के पकने लग जाएं तो इसमें 1 कप बॉयल चने शामिल करके चावल और चनों को मिक्स करके पैन कवर कर दें और 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे पकने के लिए छोड़ दें। ये थी हमारी आज की रेसिपी चना पुलाव। उम्मीद है आपने इस रेसिपी से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।